लखीमपुर खीरी कांड पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज, आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। कॉन्स्पिरेसी, एवरीबॉडी नोज हु इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी हु नोज हु सन इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी नोज हु वाज देयर व्हेन दिस फार्मर्स वर किल्ड। द जेंटलमैन इज अ मिनिस्टर, वी वांट द मिनिस्टर टू रिजाइन, वी वांट अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज, पीयूष गोयल ने कहा मामला अदालत में विचाराधीन। बेटे के खिलाफ साजिश के तहत हत्या के केस के सवाल पर भड़के अजय मिश्र, पत्रकारों के साथ बदसलूकी। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। घर लौटने पर किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में भव्य स्वागत के साथ पहुंचे, जन्मदिन पर टिकैत ने काटा केक। अपने गांव पहुंचने पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर भरी हुंकार, कहा जंग के लिए रहना होगा तैयार, नहीं बिकने देंगे देश की जमीन। गाजीपुर बॉर्डर छोड़ते वक्त राकेश टिकैत ने अपनी झोपड़ी पर मत्था टेका, कहा यादगार के तौर पर ले जाएंगे साथ। किसानों की घर वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर में हटाए गए बैरिकेड, शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। सिंघू बॉर्डर से घर लौटे आंदोलनकारी किसान, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई सड़क। मुंबई में बढ़ी ओमिक्रॉन के खतरे की पाबंदियां, 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना काम और बिना मास्क बाहर निकलने पर कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले पर सरकार सतर्क, रामलीला मैदान को बनाया हाईटेक 500 बेड से लैस कोविड अस्पताल। पटना में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियां तेज, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड का केयर सेंटर तैयार। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच थाने में खुल गए स्कूल, कोरोना नियमों के साथ बजी स्कूल की घंटी। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 30 की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के सरिता विहार में 16 साल की लड़की की खून से लथपथ मिली लाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में एक ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने किया अगवा, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को दबोचा। पटना सिटी के अगमकुआ में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस को अब चोरों की तलाश। महाराष्ट्र के बारामती में एक पति निकला दरिंदा, पत्नी का दोस्तों के साथ किया गैंगरेप, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में एक महिला ने दारोगा पर लगाए यौन शोषण के आरोप, एसपी से की शिकायत। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच हिमाचल के कुफरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कारोबारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हैदराबाद की 26 साल की होनहार सईदा फलक एशियन कराटे चैंपियनशिप में करेगी देश की अगवानी, सईदा ने अब तक अपनी झोली में डाले हैं 22 से ज्यादा इंटरनेशनल खिताब। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर स्वदेश लौटी हरनाज कौर संधू, मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत। 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जीता गोल्ड। आगरा में एक होनहार बिटिया राजकुमारी को मिला सम्मान, पंक्चर बनाकर अपने घर को पालती है